हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि अपने मोबाइल का डाटा को अपने लैपटॉप में यूज कैसे करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का जानकारी वीडियो लाते रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग अपना मोबाइल को लीजिएगा और यहाँ पर आप लोग डाटा ऑन कर लीजिएगा। देख सकते हैं डाटा ऑन किया हुआ है। उसके बाद आप लोग सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नेटवर्क सेटिंग एक ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपका लिखा रहेगा हॉटस्पॉट, ठीक है। उसको आप लोग क्लिक कीजिएगा, उसके बाद हॉटस्पॉट में क्लिक कीजिएगा और इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। ऑन करने के बाद इसका काम ख़त्म, ठीक है। ऑन हो गया है हॉटस्पॉट, अभी बैक आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग लैपटॉप में आ जाएंगे। लैपटॉप में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन नीचे एक ऑप्शन बता रहा है, इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डाटा कनेक्ट नेटवर्क कनेक्ट का बताएगा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं डाटा कनेक्ट नेटवर्क कनेक्ट बता रहा है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा उसके बाद देखिए ऊपर में आप लोगों का कनेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। मेरा तो पासपोर्ट लगा हुआ था, ऑटोमेटिक यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट हो जाएगा। यह नॉट कनेक्ट बता रहा है, उसके बाद कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट, पहले तो पासपोर्ट खोजेगा आपका, ठीक है, मोबाइल वाला, ठीक है। तो आप लोग पासपोर्ट लगा कर ओके जैसे कीजिएगा, इस तरह से आपका सिक्योर कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहां से आप लोग देख सकते हैं डिसकनेक्ट का ऑप्शन आता रहा तो डिसकनेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मैं डिसकनेक्ट कर दे रहा हूं तो देखिए डिसकनेक्ट हो गया। उसके बाद फिर कनेक्ट बता रहा, फिर कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। यहाँ पर पहले टाइम आपको पासपोर्ट खोजेगा, ठीक है, मोबाइल का, ठीक है। तो आप लोग हॉटस्पॉट का आप लोग पासपोर्ट लगा लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद आपका काम हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद चलिए आप लोगों को नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप लोगों को दिखा देते हैं। तो सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को आप लोग ओपन कीजिएगा, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कनेक्ट हुआ कि नहीं। इस तरह से ओपन जैसे कीजिएगा तो इस तरह से आप लोगों का खुल जाएगा नेट। आप लोगों का जैसे स्पीड रहेगा उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो मेरा नेट स्लो है थोड़ा, इसलिए स्लो चल रहा है। देख सकते हैं ओपन हो गया है क्रोम ब्राउज़र। इस तरह से ओपन होने के बाद अभी यहाँ पर सर्च करके देखते हैं, ठीक है, होता है कि नहीं, ठीक है। तो सर्च करेंगे यहाँ पर कोई भी कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूँगा, टाइपिंग करूँगा कोविन, ठीक है। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं सर्च करके। मैं आप लोगों को एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ डाटा चल रहा है कि नहीं, नेट चल रहा है कि नहीं मोबाइल से, ठीक है। तो मोबाइल का डाटा से चल रहा, देखिए कितना अच्छा से काम भी हो गया और काम भी चल रहा, देखिए कितना अच्छा से अभी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं और एक चीज़ दिखा दूँगा, ठीक है, देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पर यूट्यूब को भी थोड़ा ओपन करके आप लोगों को दिखा दूँगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखूँगा www.youtube.com, इस तरह से लिखूँगा और यूट्यूब में क्लिक करूँगा तो यूट्यूब भी आ जाएगा, यूट्यूब वीडियो भी प्ले होने लगेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। और इस तरह से आप लोग मोबाइल डाटा से चला सकते हैं लैपटॉप को, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद कोई भी वीडियो को मैं एक प्ले करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं ये वाला कार्टून वीडियो है, ठीक है, इसको मैं प्ले करके आप लोगों को दिखा दूँगा। देख सकते हैं हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।